राइड करना जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। तो गाइस फिर से एक नए पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सांस फूल रही है, पता है मुझे, वॉइस इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी। कोई ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो बहुत दूर है, मंजिल बहुत दूर है, तो टाइम लगेगा। और अपन ने ये ले लिया तो इससे इसका अब पता चल रहा है, क्योंकि अपन नीचे 8 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आ रहे हैं, तो अपने पास या ये अगर वहाँ होती तो और भी अपने लिए आसान होता। बट अब इसका पता चल रहा है कि अपन ने ये लिया है तो बहुत ही सही है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे। सो गाइस व्यू देख रहे हो कितना ही अमेजिंग है, शानदार। और ये देखो, ये डस्टबिन है यहाँ का। डस्टबिन दिख रहा है, कोई बता सकता है डस्टबिन है ये? बोतलें पड़ी यहाँ पे पानी की, बोटल्स वगैरह। गाइज यहाँ की मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी ना, वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि वहाँ पर, यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं कि जैसे कि मैं आ रहा हूँ तो मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर, और आप क्या, आपके साथ क्या कैरी कर रहे हो, आप एक बोतल कैरी कर रहे हो, एक बोतल, दो बोतल कैरी कर रहे हो, दो बोतल, मतलब कि इनका कहना का मतलब ये है, उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि आप बोतल ले जा रहे हो तो लेके भी आना, मतलब कि इससे क्या है आप गंदगी नहीं फैलेगी, मतलब कि बोतल्स वगैरह वैसे ही। ऐसी ट्रैकिंग में ये रेडबुल ही काम करेगी, और कुछ भी काम नहीं, पानी भी काम करेगा, ऐसी बात नहीं, पानी बहुत मदद कर रहा है अब तो यार, बट ये भी थोड़ा मदद कर रहा है, क्या पता हमारे पंख लग जाए तो हम ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाए। बट जो व्यू है ना काफी अमेजिंग है, काफी अमेजिंग है, दिखाना एक बार क्या व्यू है भाई, बर्फ ही बर्फ, कच्ची डोरियो डोरियो, कॉपीराइट आ जाएगा, मैनू तू बांध ले भाई, अलग ही मजा आ रहा है काफी। अब देखते हैं आगे चलते हैं नहीं चलते हैं, बाकी आपको पता चल जाएगा आने वाले 2-4 मिनटों के अंदर कि हाँ ऊपर चलते हैं नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारा पहले ही 9 किलोमीटर ट्रैक हो चुका है, और भी हमको कम से कम 3-4 किलोमीटर ट्रैक करना है। देखते हैं, अगर हाँ हिम्मत हुई तो चलेंगे ऊपर, अभी कोई फिक्स नहीं बता सकता कि जाएंगे नहीं जाएंगे, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है, सो लेट्स गो आगे चलते हैं। सो गाइस पहले मैंने वो मयंक वहाँ बैठा है नीचे, वो बोला मुझे कि अब दोबारा मतलब इतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि समथिंग समथिंग मे बी 10 से 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो चुकी है हमारी। 10 से 11 किलोमीटर की ट्रैकिंग होने के बावजूद मैं उनको उसको बोला वहाँ पे कि यार मैं तो जाऊँगा यार, बट देखो आप है ना जोश जोश में जो कर लोगे ना वो मेरे को नहीं लगता बेटर है, क्योंकि कहीं मैं जोश जोश में ऊपर तो चले जाऊँ, बट ऊपर में भी 2.5 से 3 घंटा लगेगा। अभी बज रहा है 2 से 2:30 बज रहा है अभी, तो कम से कम 5 या 6 बजे मैं वहाँ पहुँचूंगा, फिर नीचे आऊँगा। यहाँ पर पहाड़ों में क्या होता है कि अंधेरा है, मतलब कि 5 बजे हो जाता है अंधेरा, तो मैं सोच रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि मैं, देखो चल भी जाऊँगा कैसे करके चल जाऊँगा, बट बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा, क्योंकि 10 से 11 किलोमीटर ट्रेकिंग होती है वो कम नहीं होती है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, सोच नहीं यार डिसाइड करना ही पड़ेगा, यस एंड नो देखते हैं। सो आपके भाई ने डिसाइड कर लिया है कि अब ऊपर नहीं जा पाएंगे, देखो वही चीज़ है, मतलब कि दुख भी हो रहा है, थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ कि यार ऊपर आया हूँ, इतना दूर आया हूँ तो ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, बट अगर हम यहाँ से ट्रैक करते तो शायद मैं चल जाता, शायद नहीं पक्का चल जाता, बट वो मैं नीचे से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं, तो सॉरी गाइस इस बार मैं तुंगनाथ नहीं दिखा पाऊँगा। आने वाले टाइम में अगर ऐसा, मतलब कि देखो बर्फ़ ज़्यादा है इस टाइम नहीं, मैं आपको तुंगनाथ ज़रूर दिखाता, बट इस बार सॉरी गाइस इस बार नहीं दिखा पाऊँगा, मैं भी इसके लिए अजीब सा लग रहा है मुझे। लेट्स गो आगे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे।
सो गाइज अब अपन ऊपर जाने का तो कैंसिल हो चुका है, आपको पहले बता दिया गया था, मैंने बता दिया मेरे द्वारा। सो अभी अपन नीचे चलते हैं, वहां थोड़ा जाके टाइम स्पेंड करते हैं। आप क्या बोलना चाह रहे? बोलना तो क्या चाहे थे पहले, जोश जोश में गए थे ऊपर, बट क्या करें, जोश जोश में जो चीज करनी है ना वो करना मत कभी भी। आप भी ध्यान रखना, वीडियो में जो वीडियो देख रहे हैं ना वो भी जोश जोश में कोई चीज मत करना। नहीं आप ट्रैकिंग आसान है, ट्रैकिंग मतलब आसान नहीं है मगर हाँ कर सकते हो, मगर हमारे साथ जो चोट हुई है वो नीचे हमने क्या गलती करी, देखो गलती हो गई जो हो गई, मगर हमारी ये गलती थी कि हमारे को टैक्सी कर लेनी चाहिए थी उस टाइम में, हमने सोचा चले जाएंगे ऊपर और फिर चल जाएंगे। अब वो देखो लिखा है जो होगा हो गई, क्या कर सकते हैं उसमें, क्या है मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे, जब मतलब कि बर्फ नहीं होगी। अभी अब मैं तो बोलता हूँ कि अरे मैं पता है होटल में मैंने 5-6 लोगों से पूछ लिया कि भैया बर्फ है वहाँ पे, तुंगनाथ में बर्फ है, तुंगनाथ में बर्फ है। अरे मैं रात को सोया भी इसी ऐसे सोच के था, भगवान बर्फ मिल जाए बर्फ मिल जाए, पर भगवान को ये नहीं बोला था कि बर्फ इतनी भी मिल जाए, ज्यादा ही मिल गए जो गए हम नहीं, आ ही नहीं पाए गाड़ी से इतनी बर्फ नहीं चाहिए थी भगवान, नहीं बर्फ होती मगर अब हमारे साथ भी ये गलती हो गई कि नीचे बर्फ मिल गई, अगर यहाँ ऊपर होती ना तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक गाड़ियां ले आते और फिर चल जाते। अब हर चीज अपने हिसाब से थोड़ी, अब हर चीज अपने हिसाब से थोड़ी, अब हर चीज अपने हिसाब से थोड़ी चलेगी, आते आते बहुत अंधेरा हो जाएगा फिर, वही तो मैं भी कह रहा हूं 5 बजे अंधेरा हो जाएगा ऊपर। सो गाइस अरे भैया आप भी आ गए जो ये भी अभी हमारे साथ थे उस टाइम, तो हमने बोला कि मैं बता रहे थे इनको कि भी टाइम लगेगा, तो ये तो आगे चल गए थे हमारे सामने, फिर मैं आके यहाँ बैठा, ये तो हमारे बगल में बैठे हुए, बोलो भैया क्या हुआ, बोला यार नहीं जा पाए। और ये सामने भैया है, ये हमको वहाँ पे मिले थे आपको औखी मठ में, अब ये भैया साथ आए थे एक्सपल्स पे ये साथ, और बाकी ये भी देखते हैं इनका भैया क्या जाओगे या नहीं जाओगे, जाएंगे ट्राई करेंगे जितना हो सकता है उतना चढ़ेंगे, फिर टाइम देख के नीचे तो आना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी में ही जा सकते हैं। जितने भी बंदे दिख रहे हैं ना गाइस, आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, इसमें से 50% आधे में रास्ता काट के आ रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, और उस आधे रास्ते में हम भी है, मतलब ये मैं तो पूरा ऊपर तक जाया। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, भैया मिल गए थे बातें शाते करने लगे, माजा वाजा पी ली, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सो अब चलने का टाइम आ गया, नीचे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर गाड़ी भी नहीं मिल पाएगी। सो चलते हैं। अगर हम ऊपर चले जाते तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। सो इस हमने ये सोचा कि हमने अब हम आ रहे ना, तो हमने ये सोचा कि बहुत बेटर किया कि हमने कि ऊपर नहीं जा पाए, और काफी अमेजिंग। अब बस नीचे आ गया गेट, जाओ अपन गेट जहाँ से गए थे, असली मकसद तो पूरा हो गया। अपने को बर्फ में आना था, और बर्फ में आने के बाद भी एक ट्रेकिंग करनी थी, बर्फ के अंदर ट्रेकिंग करनी थी। हम नीचे ट्रेकिंग कर रहे थे बट वो रोड पे ट्रेकिंग कर रहे थे, बट जो ये चीज है ना, जो इस तरीके से हमको ट्रैक करना था, जो हम मतलब कि जो हमको करना था वो हमारे साथ हो गया, और बाकी रील्स वगैरह भी बना ली। इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आइकन आ रहा है, सो वहां से आप जाके फॉलो कीजिए। और कोई भी अच्छी जगह, शानदार फोटोज है। सो गाइस अभी कैप्चर हो पा रही है यार, नहीं हो पा रही, मतलब कि इतनी स्नोफॉल बढ़ चुकी है, धीरे धीरे बढ़ रही है अब, और कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही, और हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अब 10 किलोमीटर उससे नहीं जा सकते। सो गाइस बाइक से लेके अब पैदल आए, पैदल से फिर दोबारा कार में बैठे, क्योंकि 8 किलोमीटर नीचे था तो जा नहीं सकते थे, 8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा था क्योंकि पहले ही थक चुके हम ज़्यादा। सो अभी स्नोफॉल काफ़ी हो रही है, मतलब मंदी बहुत धीमी धीमी हो रही है, बट इसमें वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रहा है वो स्नोफॉल, और अभी देखते हैं गाड़ी अपनी कहाँ खड़ी है, मेरे को लगता नहीं हमको बाइक को ऐसे लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि चला के नहीं ले जा सकते।
और बाकी देखते हैं बाइक कहाँ खड़ी है, लेट्स गो गाइस। वहाँ से अपन कार में देख, यहाँ पे जो जीप होती है इसमें आए हैं। डर भी लग रहा था कि इसमें स्नो चैन भी नहीं है, फिर भी ऐसे घुमा रहा लगा रहा। मैं देखा यार इनको क्या है, ये रात और दिन का काम है। तो रोड भी सही हो गई, पहले ज़्यादा था। आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा जो कि पहले वाला रोड कैसा था, बिल्कुल 2-3 बार गाड़ी गिर चुकी थी अपनी। सो आ गए अपनी बाइकों के पास, ये रही बाइक है अपनी। और बाकी अंधेरा भी काफ़ी हो गया है। देखो दोस्तों क्या हो चुका है अपने साथ, बाइक अपनी सुमो में टो होके जाने क्या हाल हो चुका है। क्यों तो गाइस क्या हुआ, अभी 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले अपना जो मैंग की जो गाड़ी है उसका आगे वाला टायर पंचर हो गया था। जहाँ पर ने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ से टायर पंचर हो गया था। हम थोड़ा सा आगे लेके आए, 1.5-2 किलोमीटर आगे लेके आए, बट फिर वो दोबारा वो जो बबलिंग खाने लग गया टायर, मतलब कि जैसे अपन आगे चला रहे तो बबलिंग खा रहा है, तो अपन ले जा नहीं सकते। फिर हम नीचे गए, 10-12 किलोमीटर नीचे गए, फिर किसी से पंप अरेंज किया। पंप के बाद भी फिर हमने जो ये होते हैं जो पाने वगैरह हैं किसी की गाड़ी में रखे थे, जो होटल वाले भैया थे उनसे अरेंज करके हम यहाँ पर आए। अब ये देख रहे हैं कि इसका जो पाइप होता है वो पाइप कट रखा है, तो उन्होंने बोला उनके पास टेप नहीं था, तो यहाँ से भैया से हेल्प ली कि टेप, इनके पास टेप है तो टेप करके अगर भरता है हवा तो उसमें भर देंगे, नहीं तो एक ही जो उपाय है लास्ट में कि उसमें टायर खोलेंगे और नीचे ले जाएंगे। सो गाइस राइड करना जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं, क्योंकि राइड करते टाइम बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे हमारी पीछे केबल हो गई थी, फिर हम 2-3 बार गिरे और फिर ये काम हो गया, और भी बहुत सारी परिस्थिति को सामना करना पड़ता है राइड करते टाइम। अगर ऐसा नहीं कि पंचर हो जाए, अगर आपकी क्लच वायर मतलब ख़राब हो जाए या रेस वायर ख़राब हो जाए या ब्रेक फेल हो जाए, बहुत सी प्रॉब्लम आती है जो अपने को टैकल करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है उसके। सो ऐसी प्रॉब्लम आई है, देखते हैं आगे करते हैं फिर बताते हैं आपको। सो गाइस जो ये भैया हैं जो अपने मतलब उत्तराखंड में मतलब कि जो ये सुमो वगैरह चलाते हैं, ये भैया है इनकी मैं खासियत मैं मतलब आ रहा था ना, मैंने जब भी मैंने एक खासियत देखी थी इनकी कि मतलब कि इनको लेट हो रहा था बट ये वहाँ पर खड़े थे। अगर हमने बोला कि पहले इन्होंने बोला था कि भैया आप इसमें बैठ के ले जाओ, अगर इनका स्वार्थ होता वहाँ पर तो ये बोलते, ये है ना मतलब कि हमारी मतलब कि जो आपको होता है ना डिस्क पैड्स हैं वो मतलब निकल नहीं रहा था, डिस्क पैड नहीं निकल रहा था। अगर इनका स्वार्थ होता तो वहाँ पर ये उस टाइम बोलते थे हाँ भैया बैठाओ बैठाओ अंदर बैठाओ, फिर भी इन्होंने खुद ने निकाला करा, बहुत इन्होंने मेहनत करी वहाँ पे, उसमें ऑयल निकल रहा था मतलब बोल्ट नहीं निकल रहा था, फिर भी उन्होंने मेहनत करी। उत्तराखंड में आके मुझे बहुत ही बहुत शानदार लगी, हर एक बंदा हेल्प कर रहा है, पाने वगैरह लिए, पंप लिया, मतलब कि हर एक बंदा अपने एक दूसरे को मतलब दिल से जा रहा है यार, ये बहुत ही शानदार चीज लगी। बहुत भैया थैंक यू सो मच भैया। सो गाइस आज का दिन हो चुका है, 30 तारीख हो चुकी है अपने को, आज मे बी 4th या 5th डे आज अपना उत्तराखंड के अंदर। सो काफ़ी मुसीबतें आई कल, काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, फेस करना पड़ा उन मुसीबतों का, बट फेस करके उसका हल भी मिला हमें। सो अभी मतलब कि हमने गाड़ी वहाँ से टो करके किसी सुमो में 800 रुपये उन्होंने चौपटा से लेके यहाँ तक का 800 रुपये लिया था। बहुत ही सही आदमी था, मैंने आपको कल जो वीडियो आपने पीछे वीडियो देखी होगी उनसे मैंने बात मिलवाया था आपको। सो बहुत ही अच्छे आदमी थे जो 800 में, नहीं तो कोई 800 में नहीं लेके आता, क्योंकि 500 रुपये का तुमका तेल बल जाता है। सो वीडियो काफ़ी देखो वीडियो में अच्छा भी लगा होगा और थोड़ा सा हमको बुरा भी लगा, क्योंकि क्या है मतलब कि बहुत सी मुसीबतें आई थी, तो मुसीबतें जो आएगी हम आपको दिखाएंगे। सो ऐसी ही मुसीबतों जैसी वीडियो आगे भी देखनी है, अगर हमारे साथ कोई मुसीबतें आती है, अगर आपको भी और देखनी है तो उसके लिए बेल आइकन पे ऑल करना होगा। सो ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना होगा और यूट्यूब पे भी आपको सब्सक्राइब करना होगा। सो आप देख रहे हो व्यू कितना शानदार, हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए और पीछे अभी लाइट नहीं आती यहाँ पे, ओके मट में बहुत कम लाइट आती है तो लाइट के कारण वो हवा नहीं भर पाएगा, इसीलिए हम सोचा कि थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। पीछे व्यू भी कितना शानदार आ रहा है और यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही अलग है। सो ऐसी ही किसी बढ़िया सी वीडियो में मिलते हैं, टिल द टाइम बाय राइट।